उसको कहते हैं कोल्ड मिनिफिकेशन। दो चीजें होती है, मिनीफाई और अग्लीफाई, दो चीजें होती है। मिनीफाई में क्या होता है, फाइल का साइज छोटा कर देता है, वेरिएबल के नाम हम शॉर्ट कर देता है, वो ऑटो ऑटो प्रोसीजर होता है। अग्लीफाई ये होता है कि आपके कोड का ना स्ट्रक्चर वो ऐसा कर देता है कि समझ में ना आए पढ़ने वाले को। तो ये अग्लीफाई और मिनीफाई ये दो चीजें होती हैं, वो रिएक्ट आपको खुद करके देता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ रहा। वरना एंगुलर के जमाने में, एंगुलर जेएस में ये ऑटो नहीं था, एंगुलर की साइड से ये हमें करना पड़ता था, और उसके लिए टूल्स थे, वो पेड टूल्स थे, फ्री वाले थे, उससे होता नहीं था। फ्री वाले से मिनीफाई करो एप्लीकेशन रेट, तो मिनीफाई करने के बाद ना पूरी टेस्टिंग दोबारा करनी पड़ती थी हर कंपोनेंट पे जाकर। अब इसने रिएक्ट ने ऑटो कर दिया है, यानी बिल्ट इन टूल कर दिया है, तो इसमें हमें ये टेंशन नहीं होती कि मिनीफाई होने के बाद कोई ब्रेक होना शुरू हो गया। कुछ जगहों पे जहां पे चांसेस होते हैं कि ये मिनीफाई पे ब्रेक हो जाएगा, वहां पे वो वार्निंग देता है कि भाई ये जो आपने हरकत की है ये बिल्ड पे जाके मसला करेगा, प्रोडक्शन में मसला करेगा, वो ये कहता है। तो इसका मतलब क्या है कि वो मिनीफाई वगैरह में कहीं पे फंस सकती है वो चीज, तो वार्निंग दे देता है वो। तो इसलिए रिएक्ट में निस्बतन आसान है ये चीज। एपीके, अब एपीके भी मुख्तलिफ होता है ना, रिएक्ट नेटिव है, कॉटलिन है। अब रिएक्ट नेटिव में तो बहुत सारे मसले मसाइल है, मैं इस तरह भी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से वो ब्रेक होता है। अच्छा तो जनाब, मैंने अब यहाँ पे क्या कर दिया, अपनी स्क्रीन आपको शेयर कर दी जूम पे, ठीक है जी। सारे लोग जो है ना वो जूम पे आ जाए। अच्छा जी, ये मैंने कोड खोल लिया, सेक्शन सेक्शन ए, ओके। किसी एक बंदे को मैंने कोहोस्ट बना दिया, वो देख लेके कौन है, सही है, उसी के पास वो ऑप्शन आएगा एडमिट का, तो वो एडमिट करता रहे। अच्छा भाई, आज की क्लास का क्या नाम रखें, चैट ऐप। ये था हमारा 1.helloworld-weather ऐप, सही है। हमारा जो रिएक्ट का हमने हेलो वर्ल्ड पढ़ा है, उसमें हमने डायरेक्ट क्या बनाई है, वेदर एप्लीकेशन बना ली है। अब हमारा ये 2 है, सेकंड क्लास है हमारी रिएक्ट की, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक क्लास तो आपने बीच में जाया कर दी, तो इसमें इंशाल्लाह हम डेटाबेस भी यूज करेंगे। फायरबेस नहीं, मोंगोडीबी पढ़ चुके हैं ना, अभी बताता हूँ कि रियल टाइम की इसमें जरूरत भी नहीं है, ठीक है यार। फायरबेस के साइड इफेक्ट्स मैं क्या बताऊँ, ये आर्टिकल लिखा हुआ है, देख लो। हाँ, ये आई हेट फायरबेस करके जो है ना बंदे ने एक टोकन इशू किया हुआ है, वो ये रहा, रीजंस नॉट टू यूज फायरबेस। अब ये आर्टिकल पढ़ लो, इसका इसकी ये खुद की कंपनी है क्रिप्स, क्रिस्प के नाम से ना, ये चैट की सर्विसेज देते हैं ये। तो इसने जो है ना ये फायर बोल रहा है कि आग लगा दी इसने, तो जंगल में जंगल ही खत्म कर दिया आग लगा के। तो इसने ये सब लिखा हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ है, अब ये हम पढ़ लेते हैं जरा मोटा मोटा। स्पेगेटी कोड भाई, ये जो कोड बेस है ना फायर बेस पे, एक बार आपने लिख दिया वो किसी और जगह पे आप मूव नहीं कर सकते उसको। आपने फायरबेस यूज कर लिया, अब आप चाह रहे हो नहीं मैं मंगोडीबी पे मूव कर जाऊं, आप कर नहीं सकते।
ठीक है, और फायरबेस किसी और जगह होस्ट भी नहीं होता मोंगोडीबी, यानी उनके अपने प्लेटफॉर्म के अलावा। मोंगोडीबी तो मोंगोडीबी वाले खुद नहीं करेंगे, मैं AWS पे कर दूंगा, वो भी मोंगोडीबी की होस्टिंग देता है। गूगल क्लाउड पे कर दूंगा मैं, IBM वॉटसन के, IBM का जो क्लाउड है जो भी नाम है उसका, उस पर कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये स्पेगेटी कोड एक बार बन जाता है, इसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते किसी पर, पूरी एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच लिखनी पड़ती है। इंटीग्रेटिंग विद फायरबेस विद माइक्रो सर्विस, अब ये पता नहीं इसने क्या बात लिखी है, मैंने बारे में पढ़ा था मैं भूल गया हूँ। फिर प्राइसिंग फैक्टर है, प्राइसिंग फैक्टर में इसने ये कहा है कि भाई शुरू में तो ये देते हैं आपको फ्री, लेकिन जैसे ही आपके डेटाबेस के ऑपरेशंस बढ़ना शुरू होते हैं ना, तो इसकी प्राइसिंग आपको मार देती है। एक इसका यूज केस है, वो इस आर्टिकल में तो मेंशन नहीं हुआ, एक यूज केस है, यूज केस नहीं, गलत वर्ड यूज कर गया मैं, केस स्टडी है कि एक डोनेशन की कोई वेबसाइट थी, उस पर लोगों ने फायरबेस यूज किया हुआ था, तो उस पर क्या होता था कि नंबर ऑफ रीड ऑपरेशन जो था वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते थे, क्योंकि जिन लोगों ने डोनेशन दी हुई है वो, यानी प्रोजेक्ट जब सामने आता था तो जिन लोगों ने डोनेशन दी हुई है उसको वो उठा के लाता था डेटाबेस से डायरेक्ट, ठीक है ना, डेटाबेस से डायरेक्ट। अब मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट है, उसमें 200 लोगों ने डोनेशन दी हुई है, अब मैंने वो ओपन किया प्रोजेक्ट, मुझे 200 लोगों का डेटा फायरबेस से डायरेक्ट आएगा, 200 राइट ऑपरेशन हो गए, रीड ऑपरेशन। अब उसके बाद फिर ये होता है कि सिर्फ मैं तो नहीं ओपन कर रहा भाई, मेरे प्लेटफॉर्म पे हजारों यूजर है, सारे ओपन कर रहे हैं, तो जितने लोग उसको ओपन करेंगे वो मल्टीप्लाई कर लो आप उसको, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, अभी और आएगा केस। अब सीन ये हुआ कि एक प्रोजेक्ट हो गया मेरा बहुत फेमस, उस पे 5000 लोगों ने डोनेशन कर दी, अब जब भी कोई खोलेगा ना तो 5000 रीड ऑपरेशन होंगे, और अगर 1,00,000 लोगों ने खोल लिया तो 1,00,000 मल्टीप्लाई भाई। तो ये भी एक इसका डिजाइन लेवल का एक प्रॉब्लम है। फायरबेस अगर तुमने यूज किया तो तुम्हें पता होगा कि हर चीज ये कहते हैं डायरेक्ट आप रीड करें, ठीक है। फिर एक एग्रीगेशन नाम की चीज होती है, हर डेटाबेस में होती है, वो इसमें नहीं है। तो और फिर आपसे अगर ये कहते हैं ना कि वेयर का जो क्लॉज होता है, जो कंडीशंस होती हैं, वो भी नहीं लगा सकते आप इसमें, एक लगता है सिर्फ, एक कंडीशन लगती है, ठीक है ना, वो बाकी कहते हैं ले आओ और ला के यहाँ फिल्टर कर लो। अब मिसाल के तौर पे मेरा अगर डेटाबेस है, उसमें अगर मैं एक कंडीशन लगाता हूँ तो एक कंडीशन लगाने की सूरत में 1,000,000 रिकॉर्ड आ जाते हैं, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसमें, ठीक है। वो कहता है कि सबसे ज्यादा बेसिक जो है वो लगा दें आप। मिसाल के तौर पर मुझे एक स्टूडेंट गेट करके लाना है, मेरे पास 1,00,000 स्टूडेंट्स हैं, मेरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटी का एक नेटवर्क है, 1,00,000 स्टूडेंट है, मुझे कोई स्टूडेंट गेट करना है एक, वो कहते हैं या तो स्टूडेंट की आईडी हो, आप डायरेक्ट वेयर में वो आईडी लगाओ, डायरेक्ट लेकर आओ। बट मुझे अगर आईडी नहीं पता, मुझे नाम से सर्च करना है, मैं कैसे करूंगा, ठीक है ना, नाम से सर्च नहीं कर सकता मैं, जितनी बार मैं टाइप करूंगा उतनी बार ऑपरेशन मारेगा। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मेरे पास कोई क्राइटेरिया हो, मिसाल के तौर पे अगर कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि जितने भी लोग हैं 18 साल से कम उम्र है, उनको मैं कोई खास पैकेज देना चाह रहा हूँ, ठीक है, 18 साल से कम उम्र होने के साथ साथ उसमें कोई और भी कि नेशनैलिटी किसी खास कंट्री की होनी चाहिए। अब मेरी यूनिवर्सिटी है ही सारी USA के अंदर, ठीक है, मतलब बाहर भी है लेकिन 80% यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट है वो USA का है मेरा। तो मैंने एक कंडीशन लगाई, अब या तो मैं लगा सकता हूँ कि 18 साल से कम हो, या तो मैं लगा सकता हूँ कि USA का रेजिडेंस हो। हाँ, दो कंडीशन तो नहीं लगा सकता ना मैं, ठीक है, ये नहीं चलेगा। अब इसमें मुझे मुझे बावजूद इसके कि एक स्टूडेंट चाहिए, मैं सर्च मारूंगा ना, 1,000,000 स्टूडेंट पूरा उठ के आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे मतलब इसमें से कोई एक भी लगा दूं मैं अगर, तो सबसे स्पेसिफिक क्या है, 18 साल से कम। फिर सेकंड चीज क्या है कि वो USA का होना चाहिए, बट MongoDB में दूसरी चीजों में बड़ी आसानी से ये चीज होती है, इसमें है ही नहीं। फिर प्राइसिंग फैक्टर हमने देख लिया, फायरबेस डाउनलोड ऑल सब ट्री ऑन लोड। अब ये जिन लोगों ने एक्चुअली फायरबेस यूज किया ना, वही इसको समझेंगे। ये वो क्या करता है, जब आप किसी चीज पे ऑन लगाते हैं ना डॉट ऑन, तो वो पूरा उठा के लोकल पे लेकर आ जाता है, ठीक है, पूरा स्नैपशॉट लाता है, वो स्नैपशॉट पूरा डेटा होता है उसके अंदर। अब वो तो चलो छोटा डेटाबेस होता है ना, तो 4-5 KB 10 KB 50 KB आपको पता नहीं चलता, मतलब 1,000,000 रिकॉर्ड ना 50 KB का होगा, एक अंदाजा बता रहा हूँ, मतलब रिकॉर्ड छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक ऑन एवरेज 50 KB का होगा, तो 50 KB पहली दफा में लोड करेगा वो, आपको पता ही नहीं चलेगा,
बट जब आपकी एप्लीकेशन ग्रो करेगी ना, आप 10-12 जगहों पे आपने डॉट ऑन लगाया होगा, तो वो 50-50 केबी करके ना जब इतने सारे डाउनलोड करेगा तो आपका पेज लोड ही स्लो होगा ओवरऑल। ये इसने इस आर्टिकल में लिखा है कि भाई 20 सेकंड लग जाते थे मेरा पेज लोड होने में, और फिर इसने फ्रॉम स्क्रैच दोबारा एप्लीकेशन लिखी, MongoDB में लिखी, एक्सप्रेस पता नहीं कोई दूसरे MongoDB यूज किया भारत इन्होंने, तो कह रहा है वो 2 सेकंड पे आ गया 20 सेकंड से वापस। तो कह रहा है फायरबेस की मेहरबानी थी, वो 20 सेकंड पे चला गया हमारा लोड टाइम। द प्रॉब्लम ऑफ डेटा माइग्रेशन, डेटा माइग्रेट नहीं कर सकते आप फायरबेस से, किसी भी हाल में नहीं कर सकते, एक बार गए तो गए, और जानबूझ के इन्होंने ये किया। मतलब आप MongoDB आप जाना चाह रहे हो, आपका 5 साल का डेटा फायरबेस में मौजूद है, ये उन लोगों को समझ आएगा जो पहले से यूज कर चुके हैं, 5 साल का डेटा फायरबेस पे आपके, आप उसको कैसे माइग्रेट करोगे, क्या ऑप्शन है? कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। एक ऑप्शन है वाहिद, वो ऑप्शन ये है कि आप स्क्रिप्ट लिखेंगे अपनी एक, और एक एक रिकॉर्ड यहाँ से उठाएंगे, एक एक वहां डालेंगे जावास्क्रिप्ट के जरिए, जावास्क्रिप्ट की आप स्क्रिप्ट लिखेंगे, एक एक उठाते जाएंगे स्टूडेंट और एक एक वहां डालते जाएंगे। ऑप्शन यही है, आखिरी ऑप्शन यही है, और यही इसने भी किया है, खुद बता रहा है कि भाई यही क्या आखिर में मैंने यही काम किया। कोड बेस भी चेंज होगा, कोड बेस चेंज होगा ऑफ कोर्स, वही बात होगी ना, हाँ ठीक है, कोड बेस चेंज। अच्छा नहीं, आप किसी भी डेटाबेस से अगर दूसरे में शिफ्ट होंगे तो कोड बेस तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन इसमें एंटायरली होगा, इसमें एंटायरली जाहिर है। सीक्वल से आप अगर उठ के जा रहे हैं MongoDB पे तो कोड बेस तो चेंज करना पड़ेगा ना, सीक्वल की क्वेरी हटेगी, वो वाली लगेगी, होगा कोड बेस तो चेंज होगा, मगर इसमें ये बड़ा प्रॉब्लम ये है कि भाई आपके पास माइग्रेशन का ऑप्शन ही नहीं है। फिर दूसरी बात, इसके अंदर जो डेटा का मॉडल बनता है ना वो काफी अलग है, तो आपको ना सिर्फ डेटा उठा के वहां डालना पड़ेगा बल्कि अपना डेटा मॉडल भी दोबारा से बनाना पड़ेगा। इन्होंने ये डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस तो बनाया है लेकिन ये नो सीक्वल नहीं है, फायरबेस इज नॉट अ नो सीक्वल डेटाबेस, इन्होंने अपना कुछ बना दिया है, इनको भी पता नहीं, शायद पता है नहीं है कि इन्होंने क्या बना दिया। नो सीक्वल डेटाबेस के अंदर जो है एक कलेक्शन होती है, उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर कलेक्शन नहीं हो सकता, इन्होंने वो भी किया हुआ है, कह रहे डॉक्यूमेंट के अंदर एक और कलेक्शन फिर उसमें और डॉक्यूमेंट, ये इतनी बड़ी ट्री जो है ना ये नॉर्मली नो सीक्वल की स्पेसिफिकेशन में आती नहीं है, ये इन्होंने खुद से किया हुआ है अपनी मर्जी से, और उसकी बुनियाद पे इन्होंने कहा भाई हम ऐसे कर देते हैं वैसे कर देते हैं, मतलब एग्जांपल बहुत सारी बना बना के दिखाई कि ये आसान हो गया वो आसान हो गया, बट बड़ी एप्लीकेशंस में जो इन्होंने एग्जांपल नहीं बनाया उसमें ये बहुत मसला है, फंस जाते हैं लोग उसमें। अच्छा, रिलेशंस आर मार्वलस, अब ये जैसे उसमें होता है ना कि भाई MongoDB के अंदर चीज है पॉपुलेशन के नाम से, एक चीज है हमने कवर नहीं की क्लास में और नाम करेंगे, वो आप खुद से पढ़ दीजिएगा। तो पॉपुलेशन के नाम से एक चीज है, उसमें क्या होता है कि भाई आप एक स्टूडेंट जितने सब्जेक्ट उसने लिए हुए एक स्टूडेंट ने, तो आप उसकी सबकी आईडी रख देते हैं, आप वो उठा सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस के कौन से स्टूडेंट है, तो मैं कंप्यूटर साइंस डालूंगा, सारे स्टूडेंट अटैच आ जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं रिलेशन। ये सीक्वल में भी होता है, नो सीक्वल में भी होता है, सब में होता है। इसमें उसका मसला बड़ा खराब है, उसका मसला खराब ये है कि भाई आईडी तो इसमें भी डलती है, लेकिन आईडी से जब हम डेटा उठाते हैं ना, ये इसने एक एग्जांपल बनाई हुई है कि इस तरह का हमारा डेटा है, तो कह रहे हैं कि इट मींस दैट योर यूजर हैज टू वॉच टीम आईडी एंड देन पॉपुलेट योर ओन टीम एंड योर टीम हैज टू वॉच योर यूजर आईडी एंड पॉपुलेट यूजर्स। कह रहे हैं कि दोनों को ना एक दूसरे को देखना पड़ता है, एक को देख के काम नहीं चलता, दोनों को एक दूसरे को देखना पड़ता है। अच्छा, क्वेरीज एंड क्वेरीज आर बगी, इसने ये भी बोला है कि भाई क्वेरीज में भी कुछ बग है। अभी आप खुद से पढ़ दीजिएगा क्या इसने लिखा है पूरा। हाँ, कह रहा है कि ईमेल डबल डबल सेंड हो जाती है, कह रहा है। अच्छा, फिर ये कह रहा है यू डोंट ओन योर डेटा, आपका डेटा जो है ना वो आप ओन नहीं करते, और खास तौर पे इनका जो ऑथेंटिकेशन का डेटा है। चलो आप इसमें तो आप फिर भी जावास्क्रिप्ट लिख के ना एक एक करके उठा के डाल दोगे, ऑथेंटिकेशन का जो यूजर बेस है ना, अगर आपने एक दफा फायरबेस पे बना लिया, उसको निकालने का कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, ठीक है। इवन आप अगर ये चाह रहे हो ना कि मुझे सिर्फ ईमेल की लिस्ट बन जाए, मिल जाए, जो मेरे यूजर की जो ईमेल की लिस्ट मिल जाए, वो भी नहीं देंगे आपको। हाँ, तो आप इंडिविजुअल ऐसी कुछ करने के लिए यूजर के कलेक्शन लाके सेव कराओ,
नहीं नहीं ऑथेंटिकेशन का तो सीन ऐसा है ना कि आपने फेसबुक फायर बेस ऑथेंटिकेशन पे एक बार यूजर क्रिएट कर दिया, अब आप लॉगिन मारोगे लॉगिन तो करेगा वो, लेकिन उस यूजर को आप चाह रहे हो कि नहीं यार मैं MongoDB पे शिफ्ट कर दूं और मैं JWT ऑथेंटिकेशन लगा लूं, तो वो आप लिस्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते वहां से कि एक्सपोर्ट करके वहां डाल दिया, ऑप्शन ही नहीं है कोई, ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू है ना उसके डैशबोर्ड पे कोई ऑप्शन है, आप निकाल ही नहीं सकते। इवन ईमेल की भी आपको लिस्ट अगर चाहिए ना तो वो हाथ से कॉपी पेस्ट करेंगे आप तो होगा, कोई ऐसा नहीं है कि बटन दबाया और आपके पास ईमेल की लिस्ट निकल के आ गई। तो इन्होंने ये जानबूझ के किया भाई ये लॉक इन करने के लिए, ठीक है, कम्प्लीटली लॉक कर दो इसको यहाँ पे। अच्छा इसके लिए लोग क्या कर रहे हैं इंटरनेट पे जो मैंने देखा है, वो लोग ये करते हैं कि एक बार जब ये मूव कर जाते हैं ना MongoDB पे तो ऑथेंटिकेशन स्टिल इन्हीं की इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और करते क्या है जब यूजर लॉग इन होता है ना तो उसको वो नोटिफिकेशन देते हैं कि भाई आपका जो पासवर्ड है ना वो चेंज करें आप। जब यूजर पासवर्ड चेंज करता है ना तो अब की बार जो पासवर्ड है वो कहाँ सेव करते हैं नए डेटाबेस में, और इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर मारते हैं, और नतीजतन होता ही है कि ये मूव होने के अगले साल दो साल बाद तक भी ना आपको ये चाहिए होता है, ठीक है, हाँ मतलब आप इसको हटा नहीं सकते ना। अच्छा फिर लोगों ने इसका क्या हल निकाला, लोगों ने इसका हल ये निकाला कि 6 महीने तक ना उसको रखते हैं, 6 महीने बाद उसको पूरा ही हटा देते हैं, पूरा ही उसको पेमेंट उसकी हटा देते हैं, पेमेंट हटने के बाद भी वो लिस्ट तो आ रही होती है उसके अंदर ही, पेमेंट वेमेंट हटा के अब जब यूजर होता है ना वो कहता है भाई आप ना बहुत दिनों से साइन वो नहीं हुए तो आप को ईमेल भेज रहे हैं आप अपनी वो वेरीफाई करें, फिर उसी प्रोसीजर में उसको कहते हैं भाई नया पासवर्ड भी डालो, पासवर्ड भी बहुत पुराना है, वी रेकमेंड टू चेंज योर पासवर्ड एवरी 6 मंथ ये वो ऐसे करके ना पासवर्ड भी चेंज करवा लेते हैं, क्योंकि ईमेल तो पता है डेटाबेस पूरा उठा के भेज दिया ना उधर तो ईमेल तो पता है, किसी भी पोस्ट में कहीं पे भी ईमेल मिल गई ना तो उस ईमेल को कहते हैं भाई ये बंदा है पासवर्ड अपना चेंज करें, तो अब की बार जो पासवर्ड चेंज करता है वो उसमें नए में डाल देता है। तो इस तरह के लोगों ने जुगाड़े निकाली, बहरहाल लोग बड़ा डरते हैं इससे, जो प्रोडक्शन में जिन्होंने यूज किया हुआ है ना उनको पता है बेवकूफी की बात है फायरबेस का जो डेटाबेस है ना, और बावजूद इसके कि इन्होंने दोबारा से लिखा है फ्रॉम स्क्रैच, एक तो फायरबेस का रियल टाइम डेटाबेस था ना जो इन्होंने खरीदा था, जो 4-5 लड़के थे उन्होंने बनाया था ये, तो उससे इन्होंने खरीदा है ये फायरबेस, तो एक तो उनका बना हुआ डेटाबेस था वो तो इन्होंने बहुत कोशिश की चल जाए लेकिन वो नहीं चला, लोगों ने कहा भाई ये कचरा है। इन्होंने फायर स्टोर के नाम से बाद में उसको फ्रॉम स्क्रैच खुद लिखा, गूगल ने लिखा, मगर उसमें भी ये मसला था, ठीक है, काफी हद तक उसमें ये जो स्लोट ये इसमें जो मसले बता रहे हैं ना उसमें से 50% तो उन्होंने खत्म कर दिया है, लेकिन क्वेरी वाला मसला वो वही है, फिर भी इस तरह के बहुत सारे मसले हैं जो अभी भी वही है, लॉक इन वाला मसला अभी भी वही है, फिर प्राइसिंग वाला मसला वो भी अभी भी वही है। पुश नोटिफिकेशंस का यूज कर लो, मना थोड़ी बात, होस्टिंग बहुत अच्छी है इसकी, मैं यूज करता हूँ, अभी मैंने करके दिखाया पिछली क्लास में होस्टिंग में, बट मुझे लॉक इन नहीं कर सकता ना होस्टिंग में, मुझे लॉक इन करेगा नहीं करेगा, कल को ये अगर पैसे बढ़ा दे अपने होस्टिंग के मैं कहीं और कर दूं, मैं सर्च पे कर दूंगा, एक बटन दबाऊंगा सर्च पे हो जाएगा, डिपेंडेंसी नहीं है, तो वो मैं यूज करता हूँ, कोई मसला नहीं है। पुश नोटिफिकेशन इनका यूज करो आप, कल को ये नहीं करें आप पुश वुश पे लगा दो, पुश वुश के नाम से भी एक है सर्विस वो भी अच्छी है, ठीक है, जैसे इसका स्टोरेज है वो भी अच्छा है वो भी मैं यूज करता हूँ, लेकिन कल को अगर इसने स्टोरेज का मना किया तो उसको मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, सारी चीजें डाउनलोड का बटन है इसके अंदर, पूरा डाउनलोड कर सकता हूँ, स्क्रिप्ट के जरिए ट्रांसफर कर सकता हूँ, मैं क्लाउडनरी पे कर दूंगा, क्लाउडनरी जो है जो इमेज की होस्टिंग है मैं वहां ट्रांसफर कर दूंगा, AWS का जो S3 बकेट है मैं वहां ट्रांसफर कर दूंगा, लॉक इन नहीं हो सकता मैं, लॉक इन नहीं कर सकता मुझे इन चीजों में, लेकिन डेटाबेस में मुझे ये लॉक इन कर रहा है, ऑथेंटिकेशन में मुझे ये लॉक इन कर रहा है, तो डेटाबेस और ऑथेंटिकेशन इन दो चीजों से दूर रहो फायरबेस के, चाहे वो प्रोडक्शन की एप्लीकेशन हो चाहे कोई सी भी हो, ठीक है भाई। अब ये माइग्रेशन वगैरह की इसने बात की आर्किटेक्चर की, और आखिर में इसने क्या कहा है ये देखो, यहाँ पे कह रहा है कि भाई मेरी जो वेबसाइट थी ना वो 20 सेकंड में लोड होती थी और जब मैंने उसको हटाया ना तो ये 2 सेकंड पे आ गई, ठीक है, और इसने लास्ट में क्या दिया है 30% डिस्काउंट दिया है इस टोकन पर, इस कूपन कोड बना दिया, कह रहा है लाइफ टाइम ये कूपन चलेगा, 30% डिस्काउंट है जो भी ये टोकन लेकर आता है, ठीक है, जो भी आके इसको बोलेगा ना आई हेट फायरबेस उसको 30% का डिस्काउंट उनकी प्लेटफॉर्म है ना क्रिस्प के नाम से, तो वहां पे जो भी कुछ खरीदोगे आप ये डाल दो तो 30% डिस्काउंट। अच्छा तो ये बातें तो हो गई,
अच्छा तो भाई क्या थी कमांड रिएक्ट की ऐप क्रिएट करने की, कौन बताएगा? क्रिएट डैश रिएक्ट डैश ऐप स्पेस ऐप का नाम, ठीक है? मेरी ऐप का नाम है चैट ऐप, सही है। अच्छा शुरू में एनपीएक्स भी है, एनपीएक्स से क्या होगा अगर ये इंस्टॉल नहीं है, जस्ट इन केस अगर इंस्टॉल नहीं तो इंस्टॉल भी कर देंगे, ठीक है? तो आप ये आदत डालें कि एनपीएक्स भी आप लाजमी हर दफा शुरू में ऐड करें बिला वजह। यार ये परसेंट जो है ना, ये इसके अंदर इन्होंने लगाया है, पता नहीं क्यों लगाया है ये, इनको पता होगा क्यों लगाया। हाँ बहुत सारी चीजें इसमें थोड़ी नॉनसेंस है ना, बीच शुरू में डॉलर एक लगा पा रहा होता है बिला वजह। अबे भाई क्यों लगा पा रहा है डॉलर? ये जो आ रहा है ना परसेंट, ये वाला, अभी ये दूसरा वाला खोलूंगा ना मैं, जो इनका बैश वाला है उसमें ये डॉलर लगा हुआ होता है, ये इसमें डॉलर लगा हुआ है। हाँ लिनक्स में ये बैश होता है ना, ये बैश में डॉलर लगा हुआ होता है। और ये ZSH है, ये अभी इन्होंने नया मंजन लॉन्च किया ZSH, तो उसमें परसेंट लगा हुआ होता है। अरे क्यों भाई, हटाओ सिंपल करो। हाँ मंजन वो होता है कि जिसको जो है ना बेचा जाता है। मंजन तो मैं पता है मंजन में होता क्या है असल में? नहीं ये वाकई जो है मंजन, सवाल अच्छा सवाल है कि मंजन बेचना मतलब ये कैसे मुहावरा बन गया, इससे इसके लिए समझना पड़ेगा मंजन में होता क्या है। नहीं वो सवाल पूछ रहा हूँ मैं, वाकई पता है किसी को कि जो हम मतलब टूथपेस्ट की बात हो रही है, मंजन वो एक तो पाउडर शेप में आता था ना, अब तो पेस्ट की शेप में आता है, चेंज हो गया। वो दोनों में एक ही चीज होती है असल में अंदर, वो क्या होती है वो चीज जो मेन इसका रॉ मटेरियल है जिससे पेस्ट को तैयार किया जाता है या मंजन को तैयार किया जाता है, वो होता क्या है? फ्लोराइड तो बैन है आधी दुनिया में, पूरे यूएसए में बैन है, पाकिस्तान में भी कुछ टूथपेस्ट है जिनमें फ्लोराइड होता है, वो भी बहुत कम क्वांटिटी में होता है। नहीं क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? सोचो सोचो बताओ। ये तो पता होना चाहिए ना यार, एक जमाने में इन्होंने टूथपेस्ट लॉन्च किया था रेडियम वाला। रेडियम पता है क्या होता है? जो अंगूठी होती थी ना चमकता था, रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है वो, तो वो उसका भी एक मंजन इन्होंने लॉन्च किया था एक दफा, तो लोगों को इन्होंने मशहूरी की कि ये लगाने से ना दांत भी ऐसी चमकेंगे रात को। लोगों ने लगाया, ठीक है, ठीक 10 साल बाद सारे लोग कैंसर से मर गए, दांत उनके टूट टूट के हाथ में आना शुरू हो गए, रेडियो एक्टिव था ना। हाँ बोन ऐश तो नहीं होता, मेन जो अभी रॉ मटेरियल है ना इसके अंदर वो होता है संगमरमर का जो है ना सफूफ होता है, ठीक है, पत्थर होता है, पत्थर को चूर करके उसको भर देते हैं और आपको भेजते हैं 150 रुपए में इतना सारा, ठीक है? तो इसी को बोलते हैं, वो उन्होंने क्या किया है आपको बेचा है, ठीक है ना? वो 1 रुपए का भी नहीं है, वो जो इतना बड़ा 150 का बेच रहे हैं ना, उसका जो अंदर मटेरियल है उसकी कॉस्ट 1 रुपए भी नहीं है, 1 रुपए से भी कम की कॉस्ट है। अच्छा फिर उन्होंने क्या किया, इसमें थोड़ा नमक भी डाल दिया, फिर थोड़ा वो एक्टिव आजकल चारकोल डाल रहे हैं, ठीक है, एक्टिव चारकोल तो अच्छा आइटम है, मतलब वो क्लिनजिंग आइटम है, लेकिन वो 1 रुपए के मटेरियल में ना 2-3 रुपए का और डाल के आपको 150 का बेचा है। तो इससे ये निकला है मुहावरा मंजन बेचना। तो पहले जो लोग होते थे ना हकीम वगैरह, वो क्या करते थे, वो कूट वूट के ना बना के, और वो कहते थे इससे ये हो जाएगा इससे वो हो जाएगा, होता कुछ नहीं था, वो संगमरमर का चूर होता था, लोग लेते थे, इसको कहते हैं मंजन बेचना। तो फायर बेस ने भी यही किया है, 1 रुपए का चूरन 10 रुपए में बेचा हुआ। अच्छा भाई अब ये हमने एक नई ऐप तैयार कर लिया रिएक्ट की, राइट? अच्छा ये हमारे पास ऐप डॉट जेएस का एक कंपोनेंट आ चुका है, ठीक है? ऐप जेएस के कंपोनेंट में से चीजें मैं सारी हटा रहा हूँ, ये सब कुछ मैंने हटा दिया। ऐप जेएस के अंदर क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड सेव, ठीक है? अच्छा जी तो ये चैट ऐप हमारी हो गई, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमिट कर देता हूँ इतने को, ताकि ये जो ग्रीन ग्रीन चेंजेस दिख रहा है ना ये ना हो, ठीक है? ऐप
न्यू ऐप लिख देता हूँ, ये न्यू ऐप मैंने क्रिएट की है और इसको सिंक कर दिया, ठीक है, ताकि वो जो ग्रीन ग्रीन हुआ है ना चेंजेस, अब जिस फाइल में मैं चेंज करूंगा ना सिर्फ वो ग्रीन होगी, बाकी सारी आपको नॉर्मल दिखेगी। और इसको मैं, ये अभी भी ग्रीन क्यों दिख रही है बिना वजह? अच्छा, कभी कभी ना ये वी एस कोड को पता नहीं चलता, इसका साबुन थोड़ा सा स्लो हो जाता है कभी कभी। अच्छा, इसको मैं अब रन कर देता हूँ इस ऐप को, ठीक है। इस ऐप को मैंने रन करने के लिए npm start की कमांड चलाई, इसमें npm start की कमांड वगैरह सब कुछ इन्होंने लिखा हुआ पहले से, बॉयलर प्लेट जो मैं हाथ से लिखता था जाके वो इन्होंने पहले से लिखा हुआ, तो मुझे वो सब चीजें करने की अब जरूरत नहीं है। क्या कर दिया मैंने इसके साथ, उड़े हुए अच्छा, वो असल में लोड हो रही है ना ऐप, ये कंपाइल हो रहा है, कंपाइलेशन का प्रोसेस उसका जो है वो चल रहा है, ठीक है जी। ये मैंने इसको जीरो पे कर दिया और मैंने क्या खोल लिया, इंस्पेक्ट एलिमेंट, साथ में इंस्पेक्ट एलिमेंट मैंने खोल लिया ताकि कोई किसी किस्म का एरर अगर यहाँ पे आए तो मुझे क्या हो, दिखता रहे वो। अच्छा जी, तो ये मेरी एक सिंपल सी सबसे बेसिक एप्लीकेशन एक तैयार हो चुकी है। प्रोसेसर इतना ऊपर क्यों जा रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है बैकग्राउंड में, बंदे चल रहा है बैकग्राउंड में, खैर चलो जो भी होगा थोड़ी देर में तो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, कुछ अपलोड हो रहा है, 3.3 MB 4 MB, खैर अच्छा जी। तो ये हेलो वर्ल्ड ऐप बन गई, अब हमें इसके अंदर क्या करना है, एक अदर डिब्बा बनाना है कि उसमें कुछ बंदा लिखे। अच्छा, लेकिन उससे पहले वापस मैं कल वाली एप्लीकेशन में आ जाता हूँ और जो हमने दो चीजें इस्तेमाल की थी ना उसको थोड़ा सा एक दो बातें उसके बारे में कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे इसी जगह से दोबारा स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कल हमने ना दो चीजें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था यूज इफेक्ट, एक हमने पढ़ा था यूज स्टेट। अच्छा, सबसे पहले यूज स्टेट की बात करते हैं। स्टेट, जैसा कि हम पहले सर्वर के टाइम पे पढ़ चुके थे, स्टेटलेस स्टेट किस चीज को कहते हैं, जैसे स्टेट ऑफ माइंड के अभी दिमाग में क्या है, ठीक है। तो इसी तरह एप्लीकेशन का स्टेट होता है कि अभी उसमें क्या है, तो असल में स्टेट ये कहते हैं प्यार से वेरिएबल्स को, ये खास किस्म के वेरिएबल है जो रिएक्ट के वेरिएबल होते हैं, इसको ये कहते हैं स्टेट है, ठीक है। तो आप एक स्टेट बना लें, दो बना लें, तीन बना लें, चार बना लें, तो यूज स्टेट से आप वेरिएबल जितने चाहे बना सकते हैं। अच्छा, तो मैंने क्या बना लिया, एक अदद वेरिएबल बना लिया। अच्छा, ये खास किस्म के वेरिएबल क्यों है, ये खास किस्म के वेरिएबल इस वजह से हैं कि इस वेरिएबल को जब आप डिस्प्ले करते हैं ना कंपोनेंट के अंदर कर्ली ब्रेसेस लगा के, तो अगर किसी भी वजह से ये वेरिएबल चेंज होता है, किसी भी वजह से कोई भी, इसको जाहिर है चेंज जब मैं सेट का फंक्शन कॉल करके उसी के जरिए चेंज कर सकता, तो वो रियल टाइम में स्क्रीन पे भी चेंज हो जाता है। अच्छा, इसकी जगह पे अगर नॉर्मल वेरिएबल होता ना, जावास्क्रिप्ट का जो नॉर्मल वेरिएबल या वार करके या लेट करके बना हुआ होता, तो वो चेंज नहीं होता, वो एक दफा जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा, चेंज करते रहेंगे आप, स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी वो चेंजेस, ठीक है। तो ये वाला जो वेरिएबल है, स्पेशलाइज किस्म का वेरिएबल जिसको हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं, इसमें अगर किसी भी वजह से चेंज आएगा तो वो आपको स्क्रीन पे भी रियल टाइम में चेंज होकर नजर आ जाएगा। अच्छा, यही वजह है कि आप देखें, ये मैंने एपीआई कॉल की और एपीआई के देन पे मैंने क्या किया, सेट वेदर डेटा करके इसके अंदर मैंने कुछ रखा, जो भी रखा वो इस वेरिएबल में चला गया, ठीक है, जो भी रखा वो इस वेरिएबल में चला गया। तो जहां जहां ये वेरिएबल डिस्प्ले होगा ना, वो सारी जगह अपडेट हो जाएंगी, क्यों, कि ये फंक्शन चला है, ये वेरिएबल अपडेट हुआ, और नतीजतन आपको क्या लगेगा कि रियल टाइम में वो चीज चेंज हो गई। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, इसको सेट करने का ना एक तरीका और भी है, एक तरीका और ये, ये एक तरीका है इसको सेट करने का। अच्छा, क्योंकि ये रिएक्ट का एक फुल फ्लैश कोर्स नहीं है, हम इसमें ओवरव्यू कर रहे हैं रिएक्ट को,
इसलिए अब मैं इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा उसके, लेकिन जस्ट आपको इतना बताना चाहूंगा कि कुछ जगहों पे ना ये तरीका काम नहीं करता सही तरह, कुछ जगहों पे ये तरीका क्या करता है, सही तरह काम नहीं करता। तो वहां पे जहां पे भी ये काम ना करे तो वहां पे फिर आप ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, बस आसान बिल्कुल सही है। कहीं पे भी अगर पहला वाला मेथड काम नहीं करे तो आप दूसरा वाला मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, जब आप इस तरीके से कर रहे होते हैं तो आपको प्रीवियस वैल्यू भी मिलती है, ये कॉल बैक फंक्शन वाले मेथड से ये चेंज हो रहा होता है। तो जब ये पूरा कॉल होता है ना, तो आप अगर प्रीवियस वैल्यू में वन प्लस करना चाह रहे हैं या वन माइनस करना चाह रहे हैं तो प्रीवियस वैल्यू भी आपको यहाँ पे मिल रही होती है, ठीक है, इस वाले तरीके में। तो ये दोनों तरीके सही है, लेकिन ये शॉर्ट है, जो फर्स्ट वाला ये शॉर्ट सा तरीका है, लेकिन जहां पे वो शॉर्ट सा तरीका काम ना करे वहां पे आप ये सेकंड वाला तरीका करेंगे। सेकंड वाले तरीके को मैंने कमेंट करके यहीं पे छोड़ दिया, ये आपके क्लास के कोड में पुश हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, जहां पे पहला वाला काम ना करें वहां पे दूसरा कर लेना, चाहे तो हमेशा आप दूसरा वाला तरीका करें, हमेशा काम करेगा वो, ठीक है जी। अच्छा, ये स्टेट वेरिएबल समझ आ गया। स्टेट वेरिएबल में किसी का अगर कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है अभी, स्टेट वेरिएबल में अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। हमने डिक्लेयर करना देखा, ये डिक्लेयर हो गया, ठीक है, ये उसको हमने चेंज करना देखा, सही है। वेरिएबल को चेंज कैसे करना है, ऐसे करना है, ये दो तरीके हैं, ठीक है। नंबर थ्री, उसको डिस्प्ले करवाना सीखा हमने, ये लास्ट में हमने इसको डिस्प्ले करवाया था। अगर ये वेदर डेटा कोई स्ट्रिंग होता तो डायरेक्ट डिस्प्ले हो जाता, बट चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो उस पर डॉट नेम लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जो है वो क्या होता है, नलिश ऑपरेटर कहलाता है ये, कि अगर आपको ये खदशा हो गया कभी अनडिफाइन भी आ सकता है तो आप ये लगा देते हैं, जिससे क्या होता है आपकी ऐप ब्रेक नहीं होती है। ये इसका रिएक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, जावास्क्रिप्ट के अंदर चीज होती है, नलिश ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कई तरीके हैं, एक एंड एंड करके भी लोग लगाते हैं एप्लीकेशन ब्रेक होने से बचाने के लिए। तो ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ, अब ये हटा भी देंगे तो मसला नहीं होगा, लेकिन हटाने से क्या होगा कि अगर चूंकि शुरू में तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है वो, तो उसको मिलेगा नहीं, अनडिफाइन होगा तो वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक। तो ये तीन वेरिएबल के ऊपर जो ऑपरेशन होते हैं वो तीनों हमने इसमें सीख लिए। अच्छा, ये बात क्लियर हो गई। अब हम आते हैं अफेक्ट के ऊपर, ये अफेक्ट क्या चीज है। हाँ, ये जो राउंड ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी है ना मैंने, ये इसकी इनिशियल वैल्यू है, सही है। ये मैं नहीं लिखूंगा, अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा, खाली छोड़ दूंगा, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, वो भी सही है। अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट वो शुरू में नल रहे तो आप कुछ ना लिखें, ठीक है। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट क्या रहे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहे, ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ, तो मैंने ये लिख दिया। अच्छा, ये हो गई बात। अच्छा, ये जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्प्रेड ऑपरेटर कहलाता है, लेकिन आप इसको स्प्रेड ऑपरेटर को ज्यादा वो करना करें, आप समझें कि ये इसका सिंटैक्स है, आप ये समझें कि ये हमेशा इसी तरह लिखा जाएगा, ये इसका सिंटैक्स है, आप किसी भी ट्यूटोरियल में देखेंगे इसी तरह लिखा होगा। यहाँ पे कुछ भी स्क्वायर ब्रैकेट लिख देंगे तो वो बाई डिफॉल्ट एक एम्प्टी एरे बन जाएगा, ठीक है, कुछ भी लिख देंगे। मैं यहाँ पे 45 लिख दूंगा तो बाई डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा, उसमें वैल्यू चली जाएगी 45। कभी मुझे एज वगैरह लेनी होती है, काउंटर लेना होता है, शुरू में जीरो रखता हूं मैं फिर उसको, ठीक है। कभी काउंटर की ऐप कोई बनानी है ना, कोई ऐप है जिसमें नोटिफिकेशन आए ना, नोटिफिकेशन जीरो होगी, फिर कोई आई तो वो प्लस हो जाएगी 1 2 3, तो शुरू में उसमें क्या रखूंगा, मैं जीरो रखूंगा, ठीक है, ताकि एप्लीकेशन लोड हो, जीरो नोटिफिकेशन, फिर एपीआई कॉल करके मैं मंगवाऊंगा कि अभी कितनी है, वो ला के रख दूंगा इसमें। जी, असल में स्प्रेड करने के ना मुख्तलिफ तरीके हैं, स्प्रेड करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। देखो, आप ऑब्जेक्ट को स्प्रेड कर सकते हैं, एरे को स्प्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो तरीका है ना स्प्रेड करने का, ये क्या तरीका है, मैं नीचे इसको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। कॉन्स्टेंट वैल्यू 1, वैल्यू 2, ठीक है, इक्वल्स, एक आपके पास एरे था इसमें लिखा हुआ था पाकिस्तान कॉमा इंडिया, ठीक है, ये आपका एक एरे था, आपका आपको पहला इंडेक्स एक अलग वेरिएबल में डालना है, दूसरा इंडेक्स एक अलग वेरिएबल में डालना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ये पाकिस्तान चला जाएगा वैल्यू 1 में, ये इंडिया चला जाएगा वैल्यू 2 में, और आप नीचे, सॉरी, डीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, मैं गलत वर्ड यूज कर गया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, स्प्रेड नहीं कहते इसको, डीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, हाँ, स्प्रेड 3 डॉट वाला होता है, ठीक है, तो इसको डीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, सही इन्होंने करेक्ट किया बिल्कुल।
स्प्रेड जो होता है वो तीन डॉट वाला होता है. थैंक यू. अच्छा तो ये मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ उसको. समझ में आ गया ये क्या काम कर रहा है? बस समझ में आना से जरूरी है. नामों में कुछ नहीं रखा हुआ, नामों में लेकिन रखा हुआ है कुछ. किसी के सामने आप गलत नाम लेंगे तो कहेगा इसको आता नहीं है. वोकैबुलरी बहुत जरूरी है जी. चेंज नहीं करना हो तो नहीं करना. क्या कह रहे हो? सिर्फ स्प्रेड लिखोगे तो क्या आएगा ये सोचो. चिकन स्प्राइट की बात कर रहा हूँ. काम अच्छा जी. अच्छा भाई. हाँ भाई और किसी का कोई सवाल स्टेट वेरिएबल्स को लेके? अच्छा अब हम इफेक्ट की तरफ आ जाते हैं कि इफेक्ट क्या चीज है. अच्छा आमतौर पे कई दफा ऐसा होता है कि हम एप्लीकेशन जब बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन की बात हो रही है, तो एपीआई से कहीं ना कहीं से डेटा आ रहा होता है. अच्छा वो एपीआई हमें कब कॉल करनी होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जैसे ही पेज लोड हो तो वो एपीआई हमें कॉल करनी होती है. अब उसके लिए ना बड़े जतन करने पड़ते हैं. एक नॉर्मल एचटीएमएल की अगर एप्लीकेशन है तो उसके लिए बड़े जतन करने पड़ते हैं. अच्छा डॉक्यूमेंट के लोड पे लगा दूं तो वो सही रहेगा, या एक फंक्शन बना के उसको सेल्फ कॉलिंग बना दूं तो वो सही रहेगा. पता चला फंक्शन आपने पहले बना दिया और वेरिएबल जो है वो बाद में डिक्लेयर है तो वो फिर मसले करता है. ठीक है, या मिसाल के तौर पे आपने अगर फंक्शन पहले कॉल कर दिया, ठीक है, स्क्रिप्ट अगर आपने हेड में लगाई हुई है तो वो फंक्शन पहले कॉल हो जाएगा. अब वो डिव तो अभी तक बनी नहीं है जिसमें आप डेटा डिस्प्ले करवा रहे हैं लागे, तो वो मसला कर जाता है. तो बहुत सारे इसमें मसले हैं. ठीक है, मतलब आप जावा स्क्रिप्ट के अंदर आप ये थोड़ी पता लगा सकते हैं कि जो फ्रंट एंड वाला बंदा है उसने स्क्रिप्ट हेड में लगाई है कि बॉडी के आखिर में लगाई है. आपको पता नहीं होता. ठीक है ना, तो इस तरह के मसले आते हैं उसके अंदर. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा भाईजान आपको ना एक हम दे देते हैं हुक. इसको हम कहते हैं हुक. अच्छा हुक क्या चीज होती है? जैसे वेब हुक. हुक ये चीज होती है कि मिसाल के तौर पे हुक मैं बड़े आसान तरीके से समझाता हूँ स्टूडेंट्स को एक एग्जांपल देके. वो क्या एग्जांपल है? मूवीज में आपने देखा होगा कि जो एजेंट्स होते हैं सीक्रेट एजेंट्स, वो जब जाते हैं कहीं तो ट्रैप्स लगा के जाते हैं. ठीक है, मतलब वो घर से बाहर निकले तो घर से बाहर क्या करते हैं, वो ट्रैप लगा के जाते हैं. क्या करते हैं, एक ग्रेनेड खोला, ठीक है, उसको दबाया साइड पे, ये सब दरवाजा लगा हुआ है, दरवाजे के साथ एक ग्रेनेड कोने में दबा दिया. अच्छा फिर पतली सी उस पर वायर लगाई और पतली सी वायर लगा के दूसरी साइड कहीं बांध दिया उसको. अब क्या होगा कि गेट अगर किसी ने खोला तो वो तार खींचेगी और वो ग्रेनेड जो उसने पिन हटा के रखा हुआ है वो चुड़ंग करके उड़ जाएगा. और फिर 3 सेकंड होंगे बंदे के पास. ठीक है, एक 3 सेकंड वाला होता है, एक 5 सेकंड वाला होता है. तो वो 3 सेकंड में फटेगा फिर या 5 सेकंड में फटेगा. तो वो उन्होंने किया होता है. अच्छा खुद क्या करते हैं फिर वो, उसको तो पता है ना मैंने ये ट्रैप लगाया हुआ है, तो वो क्या करता है, हल्का सा गेट खोल के ना उसको नीचे करेगा, हल्का सा गेट खोल के वो तार नीचे करेगा, फिर पूरा गेट खोल के अंदर आएगा. ठीक है, फिर गेट छोड़ देगा. अच्छा तो ये जो प्रोसेस है, तो उसने क्या किया, ग्रेनेड को हुक कर दिया दरवाजे के साथ कि दरवाजा खुलेगा तो ग्रेनेड फटेगा. अच्छा इसी तरीके से फ्रिज का दरवाजा आप देखें, फ्रिज के दरवाजे की जो लाइट है ना वो भी गेट के साथ हुक हुई भी होती है कि गेट खुलेगा तो लाइट जल जाएगी. हाँ फिशिंग है जैसे. तो ये हुक ना वही वाला है. अच्छा ये जो इफेक्ट है ये हुक है. अच्छा रिएक्ट के अंदर इस तरह के बहुत सारे हुक हैं. रिएक्ट वालों ने एक आपको यानी ऐसा ऑप्शन दे दिया है कि कोई भी थर्ड पार्टी हुक भी बना सकता है. ठीक है ना, जैसे एंड्रॉइड के फोन में ऑप्शन होता है कि भाई कोई भी ऐप बनाए एपीके और पब्लिश कर दो हो जाएगा, तो इसी तरह लोगों ने थर्ड पार्टी हुक भी बनाया. तो हुक का समझ आया मतलब क्या है? अच्छा ये हुक किसके साथ कनेक्टेड है, ये हुक किसके साथ कनेक्टेड है? यूआई के साथ, जेएसएक्स के साथ, उस कंपोनेंट की जो यूआई है ना उसके साथ कनेक्टेड है. ठीक है, अच्छा आपको एक और मैं बात बताता चलूं, ये जो यूज स्टेट है ना ये भी क्या है, ये हुक है. ये वैसे तो स्टेट वेरिएबल कहते हैं लेकिन असल में ये हुक है. ये हुक क्या है, ये हुकअप हुआ है यूआई के साथ कि जब भी इस वेरिएबल में चेंज आएगा यूआई में भी चेंज आएगा. ठीक है, अच्छा तो इसी तरह ये मुख्तलिफ किस्म के हुक अवेलेबल है रिएक्ट के अंदर. अच्छा ये यूज इफेक्ट जो है, ये हुक कब चलेगा, ये हुक जैसे ही आपका कंपोनेंट लोड होगा एक दफा ये चल जाएगा.
बस ठीक है, एक दफा ये चल जाएगा, आसान कर दिया ना काम। अब आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं विंडो डॉट ऑन लोड पे चलाऊं या डॉक्यूमेंट डॉट लोड पे चलाऊं या मैं कॉल फंक्शन बना के सेल्फ कॉलिंग कर दूं, ये टेंशन है खत्म कर दिया आपकी। ये हुक बना के दे दिया और आपसे कह दिया कि एप्लीकेशन जैसे ही लोड होगी, आपका कंपोनेंट जब लोड होगा तो ये एक दफा चल जाएगा ये हुक। इसके अंदर जो भी काम आप करवाना चाहते हैं शुरू में वो इसमें करवा दो, जैसा कि एपीआई कॉल। फेसबुक का पेज जब खुलता है तो जाहिर है शुरू में तो डेटा नहीं होता उसमें कोई, एपीआई कॉल होती है तो डेटा आगे इसमें आता है, आपको डिस्प्ले होता है, ऐसा ही है ना। वेदर ऐप आपने बनाई है, आप जब ऐप खोलते हैं तो शुरू में डेटा होता है उसमें, नहीं होता, एपीआई कॉल होगी तो डेटा आएगा। तो वो काम सारे इसके अंदर करते हैं और ये वेब एप्लीकेशन में बहुत ही कॉमन है कि एप्लीकेशन लोड होते ही आपको कुछ काम करवाने होते हैं शुरू में। उसमें मिसाल के तौर पर स्पेसिफिक काम किया है ये भी तो समझना पड़ेगा ना। हाँ ये असल में टू बी मोर एक्यूरेट ये कंपोनेंट के लोड होने पे चल रहा है। अब इसमें डिपेंडेंसी का एक एरे है, अब वो हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या होगा। अच्छा तो पहले इतनी बात समझ में आ गई कि ये हुक जो है जैसे ही कंपोनेंट आपका लोड होगा एक दफा चल जाएगा, राइट, एक दफा चल गया ये। अब इसके अंदर जो भी काम आपने करवाना है ना, अभी मेरे केस में हमने इंटरनेट पर रिक्वेस्ट की हुई है, इंटरनेट पर रिक्वेस्ट की हुई वो लग जाएगी जैसे ही पेज लोड होगा, लग जाएगी रिक्वेस्ट। अच्छा उसके देन पे मैंने क्या करवाया हुआ है, एक वेरिएबल में डेटा रखवाया हुआ, जैसे ही इस वेरिएबल में डेटा होगा वो दिख जाएगा तो आपको लगेगा रियल टाइम में दिख गया। अच्छा इसको अगर आपने इतना समझ लिया ना तो जितना मैं इंटेंडेड था समझाने के लिए वो बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अब मैं एक इजाफी चीज बता रहा हूँ जो इन्होंने दोस्त ने सवाल भी किया उससे रिलेटेड है। अगर आप चाहते हैं कि ये दोबारा भी कभी चले, अगर आप चाहते हैं कि ये दोबारा भी कभी चले तो इसके अंदर ये जो एरे नीचे खाली है ना एम्प्टी एरे, इस एम्प्टी एरे में आपको आप कुछ चीजें पास कर सकते हैं। अच्छा वो चीज जरूरी है कि एक स्टेट वेरिएबल हो, ठीक है, एक नॉर्मल वेरिएबल आप पास नहीं कर सकते, ये इसको कहते हैं डिपेंडेंसी एरे। इसमें आप स्टेट वेरिएबल्स डाल सकते हैं, मिसाल के तौर पे इसकी जरूरत कब पड़ती है, मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता हूं कि जब भी क्या हो मैं मैसेज सेंड करूं तो कुछ हो जाए, ठीक है, कुछ एक छोटा सा काम है वो हो जाए, एक दफा शुरू में हो जाए और एक बाद में भी हो। मिसाल के तौर पे जब भी मैं नोटिफिकेशन पे क्लिक करूं, ठीक है, जब भी मैं नोटिफिकेशन पे क्लिक करूं तो क्या करे, नोटिफिकेशन को दोबारा से लोड करे एक दफा। इस तरह की कोई भी चीज अगर करना चाह रहा हूं तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्टेट बना दूंगा मैं, उसको मैं टॉगल करता रहूंगा, जैसे ही टॉगल करूंगा वो दोबारा स्टेट चल जाएगी, ठीक है। नहीं वैसे तो आपको इस तरह की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है कि डिपेंडेंट हो स्टेट, जैसे मिसाल के तौर पे आप सबमिट का बटन है तो सबमिट का बटन पे तो फंक्शन ही सारा काम कर लेगा, उसमें तो उस हुक की जरूरत ही नहीं, लेकिन जस्ट इन केस जरूरत पड़ जाती है, रेयर है बाय द वे, ये जो मैं चीज बता रहा हूँ ये रेयर है केस ये वाला। खैर तो ये हमने इफेक्ट देख लिया कि ये इफेक्ट क्या चीज है, ये दो चीजें अगर आपने समझ ली है तो रिएक्ट आपने इतनी समझ ली है कि हम एक चैट एप्लीकेशन आज कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने भी चैट एप्लीकेशन मैं बना देता हूँ छोटी सी, जिस हद तक हो पाई। अच्छा उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, वही ऐप आप बनाकर लाएंगे कल और होस्टेड होनी चाहिए वो जी। नहीं नहीं ये जो ऊपर बना हुआ ना वेदर डेटा, इसी को मैं डाल सकता हूँ यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है इसमें। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि जैसी पेज लोड हो एक साउंड आए उसमें से, तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। कोई भी ऐसा काम जो पेज लोड होने पे आप करवाना चाहते हैं, कंपोनेंट लोड होने पे टू बी एक्यूरेट आप करवाना चाहते हैं वो आप इसमें करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी तो ये इतने पे हम इसको रोकते हैं इस डिस्कशन को और हम अब आगे चलते हैं अपने चैट एप्लीकेशन की तरफ। बताएं वो तो अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है। फ्रेगमेंट और स्ट्रिक्ट मोड तो दो अलग अलग चीज है ना, इन दोनों का फर्क मतलब फर्क तो वो होता है ना कि लड़का और लड़की में फर्क बताऊंगा। ये तो आपने कहा कि यार किसी
जर्राफे में और हाथी में क्या फर्क है? देखो फ्रैगमेंट जो होता है ना वो डिव है एक तरह से। हाँ फ्रैगमेंट जो है वो डिव, जैसे आप चाहते हैं कि किसी जगह पे मैं कंपोनेंट लगा भी दूं और उसका कोई इम्पैक्ट भी ना हो, वहां पे हम फ्रैगमेंट लगा देते हैं। HTML में बाय द वे HTML में इसके लिए स्पैन यूज करते थे ये लोग पहले ना, मतलब अगर कोई HTML की आएगा ना और वहां पे हमें कोई चीज सेपरेट करनी है दो अलग अलग और हम चाहते हैं उसका कोई इम्पैक्ट भी ना आए, तो वो स्पैन उसके लिए लगा देते थे। स्पैन ना कहीं पे भी आप लगा देंगे वो दिखेगा ही नहीं आपको, ना वो कोई विर्थ हाइट लेगा, कुछ भी नहीं लेगा। तो फ्रेगमेंट का भी वही सीन है। और स्ट्रिप मॉड जो है, अब स्ट्रिप मॉड जो है रिएक्ट के अंदर, एक तो जावास्क्रिप्ट का स्ट्रिप मॉड है वो अलग चीज है, एक रिएक्ट का स्ट्रिप मॉड है वो इन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में पूरा एक मजमून लिखा हुआ है कि स्ट्रिप मॉड क्या है और उसके क्या क्या फायदे हैं। असल में मसला ये है कि जावास्क्रिप्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट, जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो अगर आप स्ट्रिक्ट मॉड लगा देते हैं ना तो रिएक्ट आपको बावजूद इसके कि वो चीजें जावास्क्रिप्ट में लीगल है लेकिन आपको वो करने नहीं देता, आपको एरर देता है। नहीं गलत नहीं हुआ ना, रिएक्ट ने अपनी सहूलत के लिए किया। हाँ हाँ जरूरी है हर वक्त वार्निंग के लिए रखना, वार्निंग के साथ प्रोडक्शन में थोड़ी भेज सकते हैं आपको यार। वो बाद में परफॉर्मेंस का इशू बनाता है ना, इसीलिए तो वार्निंग दे रहा है। देखो जो उसने स्ट्रिक्ट मॉड इंट्रोड्यूस ही इसी वजह से, मिसाल के तौर पे तुम ये बताओ लेट क्यों इंट्रोड्यूस करवाया? वार तो अवेलेबल था, क्योंकि वार के अंदर स्कोप के इश्यूज हैं, वो स्कोप के इश्यूज हैं, बाहर भी मिल जाता है, वो बना हुआ अंदर होता है मिलता भी बाहर भी है, हमेशा नहीं मिलता कभी कभी मिल जाता है, सही है कुछ केसेस में मिलता है। तो अब इन्होंने कहा कि यार हम ना इसका बिहेवियर चेंज कर देते हैं, लेकिन पहले से जो बनी हुई एप्लीकेशन है वो ब्रेक हो जाएंगी, क्योंकि उस जो गलत बिहेवियर है उस पर डिपेंड है वो एप्लीकेशन, समझ रहे हो ना बात। तो उसका बिहेवियर चेंज नहीं किया जा सकता, वो बिहेवियर वही रहेगा जो बन चुका है। इन्होंने कहा चलो नया मंजन इंट्रोड्यूस करवाते हैं फिर लेट, ठीक है। वार वार भी जो काम करता है वही लेट भी कर रहा है, लेकिन लेट क्या है? एक नया मंजन है, ठीक है, जो हम बेच रहे हैं आपको वो। और उसके अंदर जो छोटे मोटे मसले थे वार के वो हटा दिए, वो सही कर दिए उन्होंने। तो अब जो नई एप्लीकेशन बन रही है जो लेट को इस्तेमाल कर रहे हैं वो मतलब जाहिर है जो लेट का बिहेवियर है उस पर डिपेंडेंट है। तो ये वाला चक्कर है, इस वजह से स्ट्रिक्ट मॉड इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। अच्छा, और बाय डिफॉल्ट जो है इन्होंने लगाया हुआ भी होता है। अभी अगर आपको मैं दिखाऊं ना index.js, तो ये स्ट्रिक्ट मॉड इन्होंने लगाया हुआ होता है बाय डिफॉल्ट, तो इसको हटाना मुनासिब नहीं है, इसके साथ ही इसको इस्तेमाल करो। जहां पर ये एरर देता है वो एरर मतलब जिस तरह ये कह रहे हैं उस तरह करो, बिला वजह आप नहीं करोगे बाद में फंसोगे। अच्छा तो भाई हम हेलो वर्ल्ड से अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं, हमारे पास सिर्फ आधा घंटा रह गया। अच्छा अब हम छोटा सा काम यहाँ पे और भी करते हैं, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ठीक है भाई, ये है रिएक्ट बूटस्ट्रैप। अब हम जो भी छोटा मोटा काम करेंगे ना उसमें हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था लास्ट क्लास में, आपने एक अदद कंपोनेंट बनाया था, इन्होंने बहुत सारे कंपोनेंट पहले से बना के रखे हैं, ठीक है। बटन का कंपोनेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं, बटन सिंपल सा बटन बना हुआ आया था लास्ट टाइम जो आपने बनाया है, उसमें अगर आपने बटन बना के देखा हो तो सिंपल सा बटन आया होगा। अब बटन हम लगाएंगे इनका वाला, अच्छा सिंपल है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉलेशन की कमांड है, इंस्टॉलेशन की कमांड में आया, यहाँ पे आके मैंने लिख दी इंस्टॉलेशन की कमांड, ये इंस्टॉल हो गया उसके अंदर, ठीक है। अब मुझे बटन अगर इस्तेमाल करना है तो मुझे क्या करना होगा, बटन को पहले ऊपर इम्पोर्ट करना होगा। मैं बटन को इम्पोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी, मैं ऊपर आया बटन को इम्पोर्ट कर लिया, और इम्पोर्ट करने के बाद बटन को क्या कर सकता हूँ मैं, अच्छा ये इस तरह वाला तरीका ना ज्यादा सही है, ये वाला तरीका, ठीक है। इसमें क्या होगा, बटन के साथ कॉमा लगा के ना मैं और भी चीजें इम्पोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे टूल टिप है, ठीक है, टॉगल बटन है, सही है, टोस्ट है, टोस्ट होता है अलर्ट की तरह साइड में से आ रहा होता है, ठीक है। तो मैंने बटन को ऊपर वो कर लिया, और इसको इन्होंने लगाना नहीं बताया, लगा हम खुद ही लेते हैं चलो, ठीक है। हेलो वर्ल्ड जो है इसको हम क्या कर देते हैं, बटन के नाम से हम बना देते हैं इसको, हाँ जी एस एक्स में ही होगा, ठीक है, और ये हमने कर दिया इसके साथ, सही है। जो ऊपर हमने इंपोर्ट किया ना, ये लिखा कैसे जाएगा, एज अ टैग, जैसे एचटीएमएल के अंदर हम टैग लिखते थे ना, ये उस तरह से लिखा जाएगा,
तो अब ये जो डिस्प्ले होगा ना, ये किस तरह का बटन डिस्प्ले होगा? ये बूट स्ट्रैप वाला बटन डिस्प्ले होगा, देख लेते हैं जाके। अच्छा, इसको दोबारा से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने रोक दिया था इसको। ठीक है जी, यहाँ पे हम आगे देखते हैं, इस हेलो वर्ल्ड की जगह पे बूट स्ट्रैप का बटन डिस्प्ले हो जाना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ साथ अब मैं बूट स्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में कॉम्पोनेंट्स वाले सेक्शन में चला जाता हूँ, जहां पे तमाम कॉम्पोनेंट्स मुझे बने हुए नजर आ जाएंगे। तो मैं गया बटन में, बनाया ना बटन, अभी ये चल रहा है ना, अभी चल तो जाना दोस्तों। npm start अभी मैंने लिखा है ना, तो अभी वो दोबारा से रन हो रहा है। सही है, ये चल गई ऐप मेरी। अब उसने देखते हैं बटन बनाया कि नहीं, बन गया बटन, सही है। लेकिन ये लाल पीला नहीं हुआ अभी, वो लाल पीले के लिए उन्होंने जो क्लासेस बताई है ना, वो हम लगाएंगे तो फिर होगा। ये देखो 10 तरह के बटन है यहाँ पे, ये 4-5 तरह के। अब मुझे प्राइमरी चाहिए अगर, तो मैं क्या लगा दूंगा इसमें? ये क्या है, कौन बताएगा ये क्या है? क्लास नहीं है ये, एट्रीब्यूट तो है, लेकिन रिएक्ट में इसको क्या बोलते हैं? पैराम्स या पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये मैं एक कंपोनेंट को, बटन के नाम का एक कंपोनेंट है जो मैंने कहां से उठाया है? रिएक्ट के बूटस्ट्रैप से। ठीक है, वो रिएक्ट बूटस्ट्रैप के नाम से एक लाइब्रेरी है। ये थर्ड पार्टी कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट मैंने नहीं बनाया, ये मैंने इंपोर्ट किया है, किसी ने बनाया है। ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप का भी हो सकता था, और भी हजारों कंपोनेंट थर्ड पार्टी लोगों ने बनाए, ये मैंने इंपोर्ट किया, उसको डिस्प्ले कराया, और डिस्प्ले कराने के बाद क्या दिया मैंने उसको? कुछ पैरम्स दिए, जिसकी बुनियाद पे वो अपने आप को चेंज कर रहा है। इमेजिन करो, जो कल तुम लोगों ने ऐप बनाई है, उसके अंदर अगर मैं कलर भी पास करवा दूं, ठीक है, अगर मैं कहूं कि भाई डिग्री मिनिमम मैक्सिमम साथ में कलर, कि मैं ब्लू बोलूं तो वो अंदर से अपने आप को ब्लू कर लो, किसी को मैं रेड बोल दूं तो अपने आप को रेड कर लो, ये वो हुआ। वेरिएंट मैंने दिया प्राइमरी, तो इसने अपने आप को क्या कर लिया? ब्लू कर लिया। ये कंपोनेंट के अंदर ही लॉजिक लगी हुई है कि अगर प्राइमरी पास करूंगा ना, तो अंदर से अपने आप को वो ब्लू कर लेगा। ठीक है, तो उसने अपने आप को, देखते हैं कि कर लिया कि नहीं कर लिया, रिफ्रेश नहीं किया, क्यों भला? अच्छा, वो इंस्टॉलेशन में ना मैंने एक चीज, मुझे लग रहा है मिस कर दी है। इनका ना एक वो होता है CSS, या ये जो लिंक है ना, ये वाले CSS का मैंने लिंक नहीं लगाया, इस वजह से ये मसला हो गया। ठीक है, ये इम्पोर्ट जो है ना, ये वाला इम्पोर्ट, ये इम्पोर्ट जब तक मैं नहीं करूंगा, ये मसला नहीं करेगा, ये मसला हल नहीं होगा। ऐसा ही है, एक मिनट इसको मैं पढ़ देता हूँ कि ये कौन सा कहाँ इंपोर्ट करने बोल रहा है। मैं ऐसे हो गया, हाँ हो गया। ठीक है, अच्छा, तो एक दोस्त कह रहे हैं कि इसको रूट पे लगा देंगे तो सब जगह अप्लाई हो जाएगा, तो मैं रूट पे इसको लगा देता हूँ। index.js में आया मैं, और index.js में मैंने इसको लगा दिया। सही है, नहीं हुआ यार भी तो index.js, अरे हो गया, हो गया, index.js से भी हो रहा है। ठीक है, तो सही है, बस index.js में ये css इसकी लोड असल में करवानी होती है, क्योंकि ये पूरा css बेस्ड लाइब्रेरी है, तो css की फाइल लोड करवाना जरूरी है, अदरवाइज इसको ये मिल रहा नहीं है। अच्छा जी, तो हमने एक बटन बना लिया। बटन के अलावा इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं, आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन से कंपोनेंट है, और आप खुद उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं जैसे आप चाहें। अच्छा, इनपुट के लिए क्या चीज हमारे पास मौजूद है, ताकि हम एक बॉक्स बना लें ना यूजर का, मैसेज लिखने वाला। फॉर्म्स, हाँ फॉर्म्स में, फॉर्म्स फॉर्म्स। अच्छा, ये अलग से दिया हुआ। ठीक है, तो ये इनका कोई फॉर्म टाइप की चीज है, इसको हम एज इट इज पूरा उठा लेते हैं। ठीक है जी, अब ये बटन की तो मुझे जरूरत नहीं है, बटन को मैं हटा देता हूँ। मुझे किस चीज की जरूरत है? मुझे एक अदद फॉर्म की जरूरत है। ये मैंने पूरा फॉर्म यहाँ पे लगा दिया। अब देखते हैं कि ये फॉर्म किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, ये इसमें फॉर्म में जो चीजें इस्तेमाल हुई हुई है, वो मैंने क्या किया है? ऊपर इम्पोर्ट नहीं किया हुआ, तो ये इसलिए मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है भाई इसको इम्पोर्ट तो कर ले। अच्छा, इन्होंने स्निपेट नहीं दिया हुआ, लेकिन कोई मसला नहीं है, हम इम्पोर्ट कर लेते हैं ना फॉर्म को। हाँ, ये फॉर्म मुझे मिल गया, और कोई चीज है ऐसी? सही है, बस काफी है, फॉर्म डॉट लेबल ही है, तो फॉर्म पे ही डॉट लगा के मिल रहा है, वो सेट हो गया। तो मैं जो भी चीज इस्तेमाल करूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको नीचे रिक्वायर भी करना पड़ेगा। अच्छा, ये ना इसमें लगा हुआ है एक क्लास, जो हेलो वर्ल्ड ऐप में लगी हुई होती है ना, उसकी वजह से ये सेंटर में मुझे दिख रहा था, तो मैंने वो क्लास हटा दी, ताकि ये क्या हो, सेंटर में दिखना बंद हो जाए। अब ये इसने
ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का एक मुझे बनाकर दे दिया, ठीक है, और सबमिट का बटन भी मुझे बनाकर दे दिया इसने, ठीक है जी। अब ये हो गया, बेहतरीन काम। अब मैं इसमें से क्या करता हूँ, मुझे चूंकि एक बॉक्स चाहिए, मुझे दो दो तीन तीन बॉक्स नहीं चाहिए, तो मैं बाकियों को हटा देता हूँ। सही है, ईमेल वाले को मैंने चेंज कर दिया, मैंने कहा भाई योर मैसेज, ठीक है, योर मैसेज हो गया यहाँ पे, और वी विल शेयर योर ईमेल एनीवेयर एल्स। अच्छा, ये टेक्स्ट है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, टाइप इसकी मैं कर देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है, और मैं एंटर योर मैसेज कर देता हूँ इधर। सही है जी, एंटर योर मैसेज और उसके बाद एंटर, ये चेक मी आउट भी हटा देता हूँ, चेक मी आउट की भी मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, बटन पे टाइप सबमिट लगा हुआ है, इसको मैं फिलहाल के लिए क्या कर देता हूँ, ऑन क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब ऑन क्लिक पे मुझसे ये गलत फंक्शन मांग रहा है, तो मैं इस पे क्या फंक्शन लगा देता हूँ, सेंड मैसेज, इस तरह का एक फंक्शन बना लेता हूँ, सेंड मैसेज के नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया यहाँ पे, और अब मैं इस फंक्शन को क्या कर देता हूँ, ऊपर डिफाइन भी कर देता हूँ इस फंक्शन को, भाई इस फंक्शन में हो क्या, अच्छा, अब मुझे साथ साथ क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू उठानी भी पड़ेगी साथ साथ मुझे, जो मैंने वो लगाया है। अच्छा, इसकी वैल्यू उठाने के लिए भी इसमें क्या तरीका मौजूद है कि आप स्टेट वेरिएबल एक बना देते हैं और उस स्टेट वेरिएबल में आप कनेक्शन कर देते हैं, वो कनेक्शन भी हम देख लेते हैं कैसे होगा। अभी ये अनकंट्रोल्ड है, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इसमें क्या बना देता हूँ कि टेक्स्ट, टेक्स्ट के नाम से मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, जो भी यूजर लिखेगा वो इस टेक्स्ट में आपको मिल रहा होगा, ठीक है, और सेट टेक्स्ट इक्वल्स यूज स्टेट और शुरू में एम्प्टी स्ट्रिंग करवा दिया, ठीक है। देखें, इस केस में मैंने इसको क्या किया, एम्प्टी स्ट्रिंग करवा दिया। अच्छा, ऊपर चूंकि ये रिक्वायर नहीं हुआ हुआ, इसको ऊपर मुझे रिक्वायर भी करना पड़ेगा, तो ये रिक्वायर वाली जो कमांड है ना, ये मैं पुरानी ऐप से कॉपी करके लेकर आ जाता हूँ, जो मेरी इससे पहले की बनी हुई ऐप है उससे मैंने कॉपी करके यहाँ पे लाके रख दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब ये सेट, अब ये जो टेक्स्ट है, इसको मैं इससे कैसे कनेक्ट करूंगा, इसको कनेक्ट में ऐसे करूंगा, यहां पे लगाऊंगा ऑन चेंज, ठीक है जी, और ऑन चेंज पे मैं क्या कहूंगा, ठीक है, सही है। अच्छा, पहले हम वैसे ही सेट करने की कोशिश करते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, हम ये सेट करा देते हैं, ठीक है जी। और हमारा जो ये फंक्शन है सेंड मैसेज, सेंड मैसेज में हम क्या करते हैं, अबे यार हंस लो भाई पहले तुम लोग सही से, मेरे को भी बताओ ऐसी कौन सी बात है, मैं भी हंसूंगा। सही है, कंसोल console.log में मैंने टेक्स्ट को क्या करवा दिया, कंसोल करवा दिया, ये देखने के लिए। अच्छा, ये जो फॉर्म कंट्रोल है ना, इसमें ऑन चेंज लगा के जो मैंने ये किया है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स में जब भी कोई लिखेगा, जब भी चेंज आएगा कोई, वो चेंज डायरेक्टली कहां भेज देगा उसको, इस वेरिएबल में भेज देगा टेक्स्ट के नाम से जो मौजूद है, और मैं कुछ लिखने के बाद जब प्रेस करूंगा बटन, तो ये कंसोल पे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। देख लेते हैं जी क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा मैंने यहाँ पे और सबमिट का बटन प्रेस किया, तो ये टेक्स्ट में मेरे पास वेरिएबल नजर आ गया, ठीक है। निस्बतन काफी आसान है ये प्लेन एचटीएमएल से, क्योंकि प्लेन एचटीएमएल में ये काम इस तरह से आप कभी भी नहीं कर सकते,
उसमें आपको क्या करना पड़ता है, आईडी उठाना पड़ता है, फिर वो फंक्शन से बाहर, फंक्शन से अंदर, ये भी। अब ये हर दफा इसी तरह होगा, ये हर दफा इसी तरह होगा, बस ये इसमें सेट टेक्स्ट जो है ना ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। सेट टेक्स्ट में कभी कुछ लगेगा, कभी कुछ और लगेगा, यानी मतलब सेट टेक्स्ट तो मैंने इसलिए लगाया ना, मेरे वेरिएबल का नाम ही यही है, आपके वेरिएबल का नाम कुछ और होगा, वो लगा देंगे इसके अंदर। अच्छा, तो अब हम क्या कर सकते हैं जी दोस्त, ठीक है, इवेंट है, क्लिक इवेंट, ठीक है, क्योंकि ऑन चेंज पे जब आप कोई फंक्शन लगाते हैं, या प्लेन एचटीएमएल में भी अगर आप लिख रहे होंगे तो ऑन चेंज के ऊपर कोई फंक्शन अगर आप लगाते हैं तो उसमें आप इवेंट मिलता है आपको, क्लिक का पूरा इवेंट मिलता है कि जिस चीज पे क्लिक हुआ है वो पूरा कंपोनेंट, उसके अंदर क्या टेक्स्ट है उसके अंदर, तो मैंने उस कंपोनेंट के अंदर से टेक्स्ट की वैल्यू निकाल कर उसको कहां भेजी है, अपने वेरिएबल में भेज दिया। यूज रेफ के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मिनिमल हम रिएक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा कॉमन है, ये हम यूज कर लेते हैं। रेफ जो होता है वो कुछ जगहों पे चलता है, कुछ जगहों पे वो यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है, ये सब जगह चल जाता है, तो इसलिए मोस्ट कॉमन है, इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और बात आपकी सही है, इसको यूज रेफ से करना चाहिए सही तरीके से, लेकिन ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है, ठीक है जी। तो हमने इतना तो काम कर लिया कि बंदा कुछ लिख के सेंड का बटन दबाए तो क्या हो जाए, वो टेक्स्ट मुझे मिल जाए। अब उस टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, कहाँ भेजना है, सर्वर पे भेजना है मुझे, ताकि उसको प्रोसेस किया जा सके, या टू बी मोर एक्यूरेट उसको किसी तरह डायलॉग फ्लो पे भेजना है मुझे, ठीक है, और वहां से रिस्पॉन्स पकड़ना है मुझे इसका। डायलॉग फ्लो ही तो पढ़ेंगे इसके बाद, उसी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अभी डायलॉग फ्लो पे अभी नहीं भेज रहे। अच्छा, तो अब ये मेरे पास जो सेंड मैसेज का फंक्शन है, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक्सियोस की एक रिक्वेस्ट लगाऊंगा, जिसके जरिए मैं इस टेक्स्ट को कहां भेजूंगा, कहीं सर्वर पे भेजूंगा, किसी जगह डायलॉग फ्लो पे भेजूंगा इसको। फेच भी लगा सकते हैं, एक्सियोस मेरे हिसाब से ज्यादा आसान है, आसानी से समझ आता है, ठीक है, फेच लगा लेना, तुम फेच लगा लेना। फेच और एक्सियोस में फर्क ये है कि एक्सियोस को इंस्टॉल करना पड़ता है, फेच को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। एक्सियोस में कोड थोड़ा कम लिखना पड़ता है, फेच में कोड थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है, ये फर्क है। और ऐसा नहीं है कि फेच जो है वो फास्ट है, ऐसा नहीं, ठीक है, एक्सियोस भी बैकग्राउंड में फेच को ही इस्तेमाल कर रहा है, एक्सियोस भी बैकग्राउंड में फेच को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में फेच के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है इंटरनेट पर रिक्वेस्ट लगाने का। एक और था एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, वो पुराना हो गया, वो खत्म नहीं हुआ, अभी भी यूज कर सकते हैं उसको आप, लेकिन फेच तो अभी रिलीज हुआ है ना यार, साल डेढ़ साल हुए फेच को रिलीज हुए, उससे पहले जावास्क्रिप्ट में एक ही तरीका था एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, एक्सियोस भी उसी को यूज करता था, एक रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी थी बहुत पॉपुलर, मैंने बहुत यूज की वो, तो वो भी बैकग्राउंड में उसी को यूज करता था। जब से फेच रिलीज हुआ है तो ये जितनी भी लाइब्रेरी है सारी फेच पे मूव कर गई, तो ये दो के अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है जावास्क्रिप्ट में, एक जावास्क्रिप्ट का कोड है जिसके जरिए इंटरनेट पर रिक्वेस्ट, एक्सियोस की तरह ही है वो भी, तो ठीक है, बैकग्राउंड में ये भी यूज उसी को करता है, फास्ट इस वजह से नहीं है, दोनों ऑप्शन मौजूद है इसमें, सिंक्रोनस भी एसिंक्रोनस भी है। बाय डिफॉल्ट तो डॉट देन आपने लगाया हुआ तो एसिंक्रोनस वर्ड, ठीक है, आप एसिंक का वेट लगा के कर ले सारे, देखो एक्सियोस में ना सारे पॉसिबल ऑप्शन उन्होंने दे दिए, जैसे चाहो आप यूज कर लो, ठीक है, जो जो पॉसिबल ऑप्शन है सारे एक्सियोस में मौजूद है। अच्छा भाई, तो अब मुझे एक्सियोस का भी कोड उठाना है, तो मैं लास्ट वाला जो हमने वेदर ऐप बनाई थी कल उसके अंदर से जाके हम एक्सियोस का भी कोड उठा लेते हैं। अरे तो बेटा गेट की गेट को ही तो पोस्ट बना देंगे ना हम, ठीक है, जो लोग कहते हैं ना कि डेवलपर सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं वो शायद मेरे जैसे किसी डेवलपर के बारे में कहते हैं, लेकिन इस कॉपी पेस्ट में भी कितना वो है, ठीक है, हमने ये एक्सियोस की रिक्वेस्ट पूरी उठा ली यहाँ से, एक्सियोस के ऊपर रिक्वायर भी कर लिया, एक चीज हमने नहीं की, उसको इंस्टॉल नहीं किया अभी तक, npm i एक्सियोस इंस्टॉल भी कर लिया, ठीक है जी। अच्छा, अब ये इंस्टॉलेशन हो गई, इंस्टॉलेशन के कंप्लीट होने का वेट करता है, ठीक है, दोबारा से npm स्टार्ट मैंने लगा दिया। अच्छा, अब ये मेरे पास है गेट, मुझे क्या करना है, पोस्ट, इसको पोस्ट कर दिया मैंने। अच्छा, पोस्ट करने के बाद जो मेरी ये अब एपीआई जो लगी हुई है ये वाली, ये एपीआई कौन सी होगी, जाहिर है मेरे सर्वर की होगी, ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई लोकल होस्ट कॉलन 3000 अभी बनाएंगे, बनाई थोड़ी अभी बनाएंगे, ठीक है, स्लैश
टॉक टू चैटबॉट, ये मैंने एक नाम रख दिया है टॉक टू चैटबॉट, आप कोई भी अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं, ठीक है। आमतौर पे मैं जो नाम रखता हूँ रखता हूँ API/V1/talk, सही है। अबे भाई ये REST API हमने जो पढ़ी थी, अगर किसी को याद हो तो ये वो बात है, ठीक है। REST API के 5 principles हैं, जिसमें से ये एक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम अगर कोई बता दे। वर्जन वन नहीं कहते इसको, ये जो मैंने चीज लिखी थी API/V1/ उसके बाद चीज लिखी थी यूनिफॉर्म रिसोर्स या यूनिफॉर्म यूआरएल, ठीक है। 5 प्रिंसिपल, उसमें एक यूनिफॉर्म रिसोर्स ये वो है, ठीक है। तो दोबारा से एक दफा कोशिश कीजिएगा कि इसको देख लें। अच्छा, तो अब मेरे पास क्या आ चुका है, चूंकि पोस्ट की बॉडी है तो मैं इसमें डेटा भी भेजूंगा, तो मैंने इसमें कहा टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट, जो भी मेरे पास अभी टेक्स्ट वेरिएबल मौजूद है ना वो मैंने रख दिया यहाँ पे, इस बॉडी में रख के रवाना कर दिया इसको यहाँ से। अच्छा, रवाना करने के बाद जो मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि उसके अंदर भी एक टेक्स्ट आएगा, सेम इसी तरह का टेक्स्ट आएगा, ठीक है जी। अच्छा, तो अब मुझे एक ऐसा वेरिएबल चाहिए, जाहिर है क्योंकि चैट ऐप जो होती है उसमें हर आने और जाने वाला मैसेज डिस्प्ले भी तो हो रहा होता है, तो मुझे एक अदद ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर मैं क्या कर सकूं, उन मैसेजेस को पूरे को स्टोर कर सकूं, ताकि लिखता जाए वो दिखता भी तो जाए साथ साथ। उसके लिए मुझे यहाँ पे एक मैसेजेस के नाम से बनाना पड़ेगा वेरिएबल, मैसेजेस और उसके बाद सेट मैसेजेस, ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब ये चूंकि ये एरे है, जाहिर है इसमें एक से ज्यादा मैसेजेस सेव होंगे तो ये एरे है, सही है। तो इसको शुरू में मैंने एम्प्टी एरे रखवा दिया, ठीक है जनाब। अच्छा, अब जैसे ही मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया, अच्छा पहले तो मुझे जो मैसेज मैंने भेजा है वो भी तो उसमें रखवाना है मैंने, तो वो मैं शुरू में ही रखवा देता हूँ। एपीआई बना लेते हैं, इसी तरह काम होता है भाई, पहले फ्रंट एंड पूरा लिख लेते हैं डमी एपीआई जहन में रखते हुए कि अच्छा इस तरह की होगी एपीआई, ठीक है, उसके बाद फ्रंट एंड लिखने के बाद बैक एंड लिखते हैं। अच्छा, तो मैंने सबसे पहले कहा कि सेट मैसेजेस, अब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें एक ऐसा मंजन लिखना है जिसके जरिए क्या हो कि जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है मेरे पास, जो भी एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें क्या पुश हो जाए, ये अभी वाला मैसेज उसमें पुश हो जाए, ठीक है, अभी वाला मैसेज उसमें पुश हो जाए और जो एग्जिस्टिंग डेटा था वो भी रहे, नया हमारा वाला भी पुश हो जाए। तो इसके लिए मुझे ये नॉर्मल तरीका ना सेट मैसेज ये काम नहीं करेगा, मुझे इसके लिए कॉल बैक वाला तरीका इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस डेटा मुझे इसी में मिलता है, मैंने कहा प्रीवियस डेटा और यहां पे मैंने आगे कहा कि ठीक है। अब ये प्रीवियस डेटा जो है ना, ये एक एरे होगा ऑफ कोर्स, अब एरे के लास्ट इंडेक्स में मुझे एक आइटम पुश करना है, कैसे करूंगा, डॉट पुश कर दिया मैंने। अच्छा, मुझे टेक्स्ट तो लिखना है लेकिन साथ में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, उसके ये भी लिखना पड़ेगा कि ये यूजर का मैसेज है या चैटबॉट का मैसेज है, ठीक है ना, क्योंकि एक मुझे लेफ्ट साइड पे दिखाना है, एक मुझे राइट साइड पे दिखाना है, तो मुझे कोई ना कोई कंडीशन होनी चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा कि सेंडर, सेंडर मैंने कहा यूजर है और कॉमा डाल के मैंने कहा टेक्स्ट जो है वो अभी जो भी टेक्स्ट मौजूद है वो यहाँ पे टेक्स्ट, ये मैंने पुश करवा दिया। अच्छा, पुश भी नहीं करूंगा मैं इसको क्या करूंगा, अनशिफ्ट करूंगा, क्योंकि मैसेजेस हमेशा रिवर्स में शो हो रहे होते हैं, राइट, जो सबसे टॉप पे होगा वो सबसे पुराना मैसेज होगा, ऐसा ही है ना, तो मैं इसको अनशिफ्ट भी करवा सकता हूँ, वो हम देख लेंगे। अभी तो खैर हमारा स्क्रीन उल्टी है हमारी, हमारे पास डब्बा ऊपर है, मैसेजेस नीचे होंगे, तो अभी हमारे पास सबसे टॉप पे लास्ट मैसेज आ रहा होगा, पुश इसलिए हमने करवाया है, लेकिन जब आपका वो बॉक्स नीचे होगा आमतौर पर जैसे ही होता है और मैसेजेस ऊपर होंगे, तो फिर आप इसको पुश नहीं कराएंगे, फिर अनशिफ्ट करवाएंगे, क्योंकि रिवर्स में आपकी लिस्ट बन रही होगी। तो मैंने ये पुश इसके अंदर रखवा दिया। अच्छा, ये रखवाने के बाद मैंने क्या किया, इंटरनेट पर रिक्वेस्ट लगा दी, इंटरनेट पर रिक्वेस्ट लगाई, इसका जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा मेरे पास, तो रिस्पॉन्स में मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास सेम इसी तरह का ऑब्जेक्ट आएगा रिस्पॉन्स में भी। अच्छा, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा में मुझे वो चीज मिल रही होगी जो भी चीज मेरे पास रिस्पॉन्स में आई है, ठीक है, तो मैं इसमें क्या करूंगा, सेट मैसेजेस दोबारा लिखूंगा यहाँ पे, और सेट मैसेजेस के अंदर
ओ सॉरी यहाँ पे मैंने अभी एक चीज तो मिस कर दी, रिटर्न भी तो करवाना पड़ेगा ना मुझे, जो अपडेटेड चीज है वो रिटर्न भी तो करवानी पड़ेगी प्रीवियस। अच्छा क्या ये काम करना चाहिए रिटर्न पे, मतलब क्या ये अपडेट हो जाना चाहिए? ये अपडेट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज बता देता हूँ मैं, एक और चीज बता देता हूँ बड़ी अच्छी सी। देखो जब भी हम सेट मैसेजेस में कोई नया डेटा देते हैं ना, तो वो डेटा पहले डेटा से मुख्तलिफ होना चाहिए। अगर हमने सेम डेटा दे दिया तो वो उसको अपडेट ही नहीं करेगा। अभी हमने इसको सेम डेटा दे दिया, ये अगर जावास्क्रिप्ट की शुरू की क्लासेस में आपको याद हो तो मैंने ये बात बताई थी कि अब एरे में जितना भी चेंज कर लें, कुछ कर लें, एड्रेस मेमोरी में उसका चेंज नहीं होगा, ठीक है। और उसका मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, अगर किसी को याद है तो प्लीज बताए कि वो क्या ट्रिक थी। रेफरेंस तोड़ना जिसको हम कहते हैं, इसको तोड़ने का मैंने तरीका बताया था ये, ठीक है। अब ये बिल्कुल सही काम करेगा। अब अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आई है तो शुरू वाली क्लासेस देख तो नहीं सकते क्योंकि यहाँ वाली रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन एक क्लास मेरी ऑनलाइन जो चल रही है वो रिकॉर्डेड है, तो उसकी शुरू की 3 क्लासेस आप देखेंगे तो आपको ये चीज समझ आ जाएगा ये क्या काम हुआ, ये 3 डॉट वाला, ठीक है। इस क्लास में मैं ये अच्छी तरह बता चुका हूँ, कोई कंफर्म कर सकता है अगर तो, ठीक है। रेफरेंस तोड़ने वाला क्लास के कोड में भी आपको मोस्ट प्रोबेबली ये चीज नजर आ जाएगी। अच्छा तो ये इस तरह आपको ना हमेशा रेफरेंस तोड़ना पड़ेगा, किसके केस में? एरे और ऑब्जेक्ट के केस में। बाकी अगर एरे और ऑब्जेक्ट के अलावा कोई चीज है ना तो उसमें ये मसला नहीं आता, उसमें रेफरेंस का कोई इशू नहीं आता आपके पास। अच्छा और सेम चीज मैं क्या करूंगा, सेम चीज मुझे यहाँ लास्ट में भी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब की बारी में कौन कहूंगा कि सेंडर कौन है इसका? वॉल्ट है इसका सेंडर, ठीक है। और टेक्स्ट में क्या मुझे लगाऊंगा, मैं कहूंगा कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट टेक्स्ट, ठीक है ना। यही मुझे मिला है ना, रिस्पॉन्स डॉट डेटा में सेम ऑब्जेक्ट मैं समझ रहा हूँ, जो मैंने भेजा है सेम वही ऑब्जेक्ट मुझे उस तरह का मिलेगा, लेकिन डेटा उसका जस्ट चेंज होगा। तो ये मैंने करवा दिया। अच्छा एक काम मैंने नहीं किया, मैंने मैसेज भेजते हुए उसको एक एरे में भेजा, सेव किया, और जो वापस रिस्पॉन्स है उसको भी एक एरे में सेव किया, बट इस मैसेज को अभी तक मैंने डिस्प्ले नहीं किया, तो डिस्प्ले भी कर देते हैं इसको हम, ठीक है। डिस्प्ले इसको हम कैसे कर देंगे, यहाँ फॉर्म के नीचे आया मैं, और फॉर्म के नीचे आने के बाद बूटस्ट्रैप से हम कोई ऐसी चीज देखते हैं कि लिस्ट दिखाने के जो कोई काम है, ऐसी चीज कोई कंपोनेंट्स में गया मैं, और कंपोनेंट्स में जाने के बाद कार्ड सही रहेंगे क्या दिखाने के लिए? नहीं, कार्ड तो बहुत अजीब सी चीज है। अकॉर्डियन अलर्ट्स ड्रॉप डाउन क्लोज मेन्यू फिगर इमेज लिस्ट ग्रो, सही है। ये जो है ना ये हम लगा सकते हैं इसकी जगह पे, नहीं ये तो सही चल रहा है 11,000, ये भी सही चल रहा है मेरे पास। अच्छा माइक बंद हो गया बस, असल में उसको तो, अच्छा आप पूरी चली गई है ना, इतने खुश हो रहे हो ऐसा लग रहा है। Thank you.
मेरा भी बंद हो गया इंटरनेट। आवाज़ें नहीं निकालो। अच्छा भाइयों बैठ जाओ सारे, अभी जाने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं दोस्तों? आप इसी यार सारे ना बंद कर दो, बटन से नीचे स्विच ऑफ कर दो, टक टक टक। मैं भी अंदर से ऑफ कर दूँ। हमें जाना है। टाइम कितना हो गया? हो गया टाइम कितना? चलो सही चलेगा। हेलो 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 यार, अटेंडेंस तो तुम लोग देख लो ना, वो मुझे तो नहीं पता उस बारे में, अटेंडेंस के बारे में। यार फ्लेक्स बॉक्स में एक तरफ अलाइन करने के लिए क्या लगाते हैं पता है किसी को?
फ्लेक्स स्टार्ट सही कह रहे पोजीशन होता है ना क्या होता है जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स है काम ही नहीं कर रहा इसमें यार दोनों सही है मटेरियल वाइज ज्यादा डिटेल्ड है वो ये प्लग एंड प्ले आइटम किसी एप्लीकेशन में अगर आपने मटेरियल वाइज इस्तेमाल कर ली ना तो फिर वो इन डेप्थ उसमें रूट्स होती हैं उसकी इसमें रूट्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इसकी आप किसी अगर मटेरियल यूआई वाली भी ऐप है ना उसमें भी छोटे मोटे पे आप ये लगा दो मना नहीं करता ये क्या मतलब अच्छा ये तो मैंने नहीं देखा यार हाँ यार अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है क्योंकि मेरे ख्याल है लाइट तो अब नहीं आने वाली अगर पांच मिनट अगर वेट मैं तो पांच मिनट हूँ यहाँ पे अगर आ जाएगी तो मैं कंप्लीट कर लूंगा ये वैसे मैं कर ही रहा हूँ कंप्लीट मेरा तो लैपटॉप ऑन है अब यार मैं नई चीज क्या बनाऊ पहले तो मैं ये ऐप बनानी है ना Thank you.
Thank you.